नहीं लगता है। इसके अलावा हमने कई सारे ऐसे वीडियो भी देखे जिसके अंदर कोई पर्सन डायरेक्ट लाइव सप्लाई वायर को टच कर रहा होता है लेकिन उसे इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लग रहा होता। इसके अलावा दोस्तों कई बार न्यूज चैनल जैसे कि आज तक, NDTV इंडिया, इन सभी पर भी ऐसी कवरेज दिखाई जाती है जिसके अंदर कोई पर्सन होता है वह डायरेक्ट लाइव सप्लाई वायर को छू रहा होता है। और ऐसा भी नहीं कि वो लो वोल्टेज को छू रहा है, वो हाई वोल्टेज जैसे 11 KV को छू रहा होता है फिर भी उसे इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगता। तो इन सभी के पीछे क्या कारण है, क्या ओ नेगेटिव वाले को इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगता, ये सभी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो बिना ज्यादा देरी किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज जो कि कई जगह आपको सुनने को मिलता है कि जो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले होते हैं उन्हें इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगता, इसके पीछे क्या वजह है, क्या कारण है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वालों को इलेक्ट्रिकल का शॉक नहीं लगता, उन्हें करंट नहीं लगता। ये पूरी तरीके से एक मिथ है, यानी एक तरह से अफवाह फैली हुई है कि ओ नेगेटिव वाले को इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगता। और ये अफवाह इस वजह से फैली हुई है क्योंकि जो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है ना, ये काफी एक रेयर ब्लड ग्रुप है, मतलब कि ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले पर्सन काफी कम ही हमें देखने को मिलता है। और जहाँ पर भी कोई भी रेयर चीज आ जाती है जो काफी कम होती है, जो काफी कम देखने को मिलती है, उससे रिलेटेड कई सारी अफवाहें, कई सारे मिथ फैलने लग जाते हैं। और इसी तरह ही ओ नेगेटिव को इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगता, ये भी मिथ फैला हुआ है। अगर मैं आपको थोड़ा ब्लड ग्रुप के बारे में बताऊँ तो ब्लड ग्रुप कई टाइप के होते हैं, जैसे ओ पॉजिटिव होता है, ए पॉजिटिव होता है, ए नेगेटिव होता है, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, इस तरीके ब्लड ग्रुप अलग अलग टाइप के होते हैं। इसमें अगर हम ओ पॉजिटिव की बात करें तो लगभग 32% लोगों के अंदर ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ही होता है। वहीं अगर हम ए पॉजिटिव ए नेगेटिव की बात करें तो ये भी 21% और 5% लोगों में पाया जाता है। और वहीं अगर हम ओ नेगेटिव की बात करें तो ओ नेगेटिव ब्लड वाले पर्सन सिर्फ 2% ही है। तो इसी वजह से ये एक रेयर ब्लड ग्रुप है जो काफी कम पर्सन के अंदर होता है, और इसी वजह से इससे जुड़ी कई सारी अफवाहें आपको देखने को मिलती है। अब दोस्तों हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आखिरकार कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लग रहा होता। जैसे आप कुछ वीडियोस देखेंगे, इसके वजह से मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि NDTV इंडिया ने भी कई बार कवरेज दे रखी है, आज तक इंडिया ने भी कई बार ऐसे वीडियोस, कई सारे ऐसे शो कर रखे हैं जिसके अंदर वो एक पर्सन को दिखाते हैं, पूरे आधे घंटे का शो उन्हीं के ऊपर चल रहा होता है कि वो कभी कोई से लाइव वायर को टच करता है, कभी पानी से भरी बाल्टी के अंदर वो लाइव वायर डालता है और उस पानी से भरी बाल्टी के अंदर हाथ डालता है और उसे इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगता। तो इस तरीके से कई सारे वो कवरेज करते हैं। तो इन सभी के पीछे क्या वजह है, क्या ये सही है या झूठ है? तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ। हम सभी ये सोचते हैं कि जो न्यूज चैनल होते हैं वह न्यूज चैनल जो भी चीजें दिखा रहे हो बिल्कुल हर चीजों को चेक करने के बाद, प्रमाण करने के बाद दिखा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि इस तरीके के जो भी शो किए गए हैं जिन्हें मैंने भी खुद ऑलरेडी कई बार पूरा पूरा देखा है, और उस शो को खत्म करने के बाद में वो आखिर में बस इतना सा कह देते हैं कि यह जो पर्सन है जिसे इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लग रहा, इसके हमने ब्लड ग्रुप या फिर इसका बॉडी चेकअप के लिए हमने रिपोर्ट आगे दे रखी है, और अब आगे टेस्ट होने के बाद इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे कि इसे इलेक्ट्रिकल शॉक क्यों नहीं लग रहा। लेकिन उस शो के खत्म हो जाने के बाद में कभी भी वो न्यूज चैनल वाले जो उन्होंने टेलीकास्ट किया था उसके रिलेटेड कोई भी जानकारी वापस नहीं देते। तो अब उस वीडियो, उस कवरेज के अंदर क्या चीज सही थी, क्या चीज झूठ थी, वो हम वहाँ से पता नहीं कर सकते। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात यह भी बताऊं कि जो इंडिया के न्यूज चैनल्स हैं, यह सभी जो न्यूज चैनल होते हैं कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, इनकी भी एक रैंकिंग होती है जो ग्लोबली चलती है कि कौन से देश का न्यूज चैनल नंबर 1 यानी सबसे सही तरीके से न्यूज चैनल को दिखाता है वो बिल्कुल सही बताता है। ऐसे अगर हम इंडिया की रैंकिंग की बात करें तो टोटल 180 देशों में से इंडिया की जो रैंकिंग वो पिछले साल 142 पे थी और इस साल वह 142 से और कम होकर 150 पे आ गई है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो इंडिया के न्यूज चैनल है वह जो न्यूज दिखाते हैं वो किस तरीके की हो सकती है, और जो इस तरीके की वीडियोस दिखाई जाती है इन चैनल पर, अगर हम इनके पीछे की बात करें तो ये सभी होता है TRP के लिए, मतलब कि अपने चैनल की एक हाइप बढ़ाने के लिए कि वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा यूजर आए, उसे ज्यादा से ज्यादा लोग दिखे, इसके लिए कभी कभी इस तरीके की न्यूज दिखाते हैं जिसके पीछे क्या सच है क्या झूठ उसका भी वह कोई जवाब नहीं देते। तो दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए तो इन बातों को ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप होते हैं उनको इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगता, ये पूरी तरीके से मिथ है। और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि हमें जो करंट लगता है, जो इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है, वो हमारे ब्लड ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं जो मिथ फैले हुए हैं इसी को ही आपके दिमाग से क्लियर करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ जानकारी मिली होगी।